नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं रजौरी गार्डन विधानसभा में। हमारे साथ आप यूथ विंग के संगठन मंत्री डेविड चंदेला जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। डेविड जी, आपका सर स्वागत है। सवाल मेरा आपसे पहला ये है कि आपका जो राजनीति में जो जुड़ाव हुआ आम आदमी पार्टी में, कैसे और कितने वर्षों से जुड़ाव आपका? सर, पहले तो मैं पूरी दिल्ली की जनता से आशा करता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में, कोरोना के समय में, आप सब स्वस्थ हैं और अपने घर परिवार का पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा सहयोग दे के उनकी अच्छी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। और सर, जो आपका प्रश्न था कि जिस हिसाब से मैं 2010 में कॉलेज में एडमिशन था, मेरा छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ, दयाल सिंह कॉलेज से मैं छात्र राजनीति में केंद्रीय पार्षद रह चुका हूँ। उस टाइम NSY कांग्रेस स्टूडेंट विंग से मैं दिल्ली सेक्रेटरी रह चुका हूँ। 2011-10 अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से 2010-11 की अकॉर्डिंग अराउंड अन्ना जी ने एक आवाज़ उठाई थी, उसमें रामलीला मैदान में बहुत जंग समर्थन मिला। फिर हमने भी थोड़ी अपेक्षा जागी कि कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है देश में। उसी दौरान 2-3 जो स्कैम थे उजागर हुए। अन्ना जी ने एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया। उसके उस आंदोलन से एक लोह पुरुष, जिन्हें मैं कहूँगा एक क्रांतिकारी, अरविंद केजरीवाल जी आए, जिन्होंने पार्टी बनाने का एक अपना डिसीजन लिया। और उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग आज हमारे दिल्ली में एक बहुत अच्छी पार्टी, जो लगातार 3 बार से CM अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली जी की जनता मौका दे रही है, उनके कर्मों और जो उन्होंने क्रांतिकारी रूप से दिल्ली में बदलाव लाए हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए आप, एजुकेशन ले लीजिए, सिस्टम में मतलब बिल्कुल ही एक तरह से जान डाल दी है। तो उसी की चीज़ से उस टाइम अन्ना जी के जब आंदोलन में मैं देखा कि समय बदलाव मांग रहा है, तो मैं राजनीति से जुड़ा। सर, ये जान लेते हैं कि जैसे कि कोरोना महामारी जो फर्स्ट वेव या सेकंड वेव को लेकर बात कर लेते हैं, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं रही जो इतने सेकंड वेव में इतने लोग मारे गए, ऑक्सीजन की मारामारी, दवाइयों की मारामारी जो इतनी हुई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इसका कौन जिम्मेदार रहा था? इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बहुत बड़ी खामी रही। केंद्र सरकार को पहले से ही हिसाब लगा लेना चाहिए था कि एक सेकेंड वेव हमारे देश के निकट खड़ी है और उसके अकॉर्डिंग हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से क्या हमारे पास दवाइयाँ उपयुक्त रूप से हैं या नहीं है। हमारा आज तक, हमारे अरविंद केजरीवाल जी को अगर केंद्र में मौका मिला होता, तो जो इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पतालों में बेड की कमी आ रही, लोग मरे हैं, ये ना होता। उस टाइम बंगाल चुनाव था, सेकेंड वेव के साथ साथ बंगाल चुनाव था और बंगाल की जनता ने भी इनको बहुत अच्छी तरह खदेड़ा। तो सीधा सीधा आपको प्रश्न का जवाब मिला कि केंद्र सरकार की कमियों से जो भी चीज़ें हुई बंगाल में उसका रूप दिखा, और इतनी जोड़ तोड़ के बाद भी ये विफल रहे बंगाल को अपने हाथ से। सर, इस महामारी में आपकी किस प्रकार की भूमिका रही लोगों के बीच? इस महामारी में सर, मैंने अपने लेवल पे जितना हमसे बन पाया, हम 8-10 लोग हमारे भाइयों की टीम थी, डॉक्टर दयानंद चंद्रा जी के आशीर्वाद से हमने लोगों को घर घर जाके बताया कि आपको अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमियां हैं तो हम आपको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर सकते हैं। हम बहुत सारी संस्थाएं, जैसे कि एक उत्तम नगर में संस्था थी, बालाजी नाम से संस्था उन्होंने खोला के थी, उन्होंने शाम को 6 बजे से 10 बजे तक उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि किसी को भी अगर ऑक्सीजन की कमी रहे तो आप हमारे पास सिलेंडर ले आइए, हम उनके घर से सिलेंडर उठाते थे, वहाँ से रिफ़िल करा के उनको दे दिया करते थे। प्लस जितना भी हमारे पास गरीब आदमी के लिए दान पुण्य के लिए चावल, राशन, ये हमने घर घर पहुंचाया। और आम आदमी पार्टी यूथ विंग रजौरी गार्डन से पूरी समय पर तत्पर खड़ी रही और लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सहयोग करा और उनकी मदद करी। सर, इस समय पर जैसे वैक्सीनेशन को लेकर जो मुहिम चल रही है, क्या इसको लेकर भी आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को? वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल जागरूक करना भी चाहिए। एक्चुअली में क्या है, सबसे बड़ा जो हथियार है इस वक्त हमारा वैक्सीन है। और मैं दिल्ली की जनता से बहुत ही तहे दिल से आग्रह करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाइए और अपने परिवार को बचाने में अपना सहयोग बहुत अच्छा दें।
सबसे बड़ा सहयोग यही है इस वक्त। सर क्षेत्रीय विधायक का क्या रोल है? सर क्षेत्रीय विधायक कि आप, मैं तो एक संगठन मंत्री हूँ आम आदमी पार्टी से, अगर मैं अपने विधायक जी की तारीफ करूँगा तो लोग कहेंगे ये तो पार्टी का, तो करेंगे। आप क्षेत्र में जाइए घूमिए, क्षेत्रीय विधायक जी को सिर्फ कहने की बात है। देखो एक संगठन मंत्री को उससे केजरीवाल जी के दूसरे रूप में देखा जाता है क्षेत्रीय विधायक जी को। इतने इतने क्या खासियत है सर उनके अंदर? सर खासियत के लगा लीजिए, पहले तो जन आधार उसी को मिलता है सर जिसमें खासियत होती है। क्षेत्र विधायक जी को कभी भी किसी भी चीज़ की वो नहीं रही, उनके घर में दो पार्षद, खुद दो बार विधायक, खुद उनकी धर्मपत्नी विधायिका, प्लस गरीब तबके के लिए हमारे देश में हमेशा से गरीब आदमी का प्रतिमन होता रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र विधायक ने इतने बारात घर बना रखे हैं और बिल्कुल ही मतलब फुली फैसिलिटेड। ये जो आप सामने बारात घर देख रहे हैं हमारे ऑफिस के, अभी आप आए थे, ये बारात घर सन 2011 में बनके तैयार हुआ था। उसके बाद यहाँ एक विधायक आए बीजेपी के, उनकी आज 4 साल के अंदर क्षतिग्रस्त कर दिया है इसको। अब विधायक जी दोबारा आए हैं, सारे बारात घर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बड़े बड़े बैंकेटों में शादी नहीं कर सकते, आप उनसे पूछना कि सर विधायक जी ने कैसे कैसे बारात घर दिया। NW चौक पर नया बारात घर बन रहा है, उसको डबल स्टोरी कर दिया है कि जगह कम पड़ रही थी, एक एक दिन में दो दो बुकिंग भी आ रही थी, तो दो पार्टीशन कर दिए विधायक जी को। तो आप ये लगाइए विधायक जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रखी है, कुछ लोग हैं जो उनको उड़ाते हैं, लेकिन विरोधी काम है आपको पता है। मैं कहना चाहूँगा कि दयानंद चंदेल एक ऐसे शख्सियत हैं जो राजौरी गार्डन जी को, राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र को एक देवता के रूप में मिले हुए हैं, एक वरदान के रूप में मिले हुए हैं। अच्छा डेविड जी, बताइए जैसे 15 साल भाजपा शासित MCD में है, आने वाले 2022 में चुनाव आ रहे हैं, जनता क्या चाहती है इस बार, परिवर्तन चाहती है? जनता ने मन बना लिया भाई साहब। तो क्या लगता है इस बार MCD आ रही है आम आदमी पार्टी? MCD पार्टी जी ताल ठोक के बिल्कुल 272 में 250 सीट प्लस आ रही है। कुछ अपनी जनता में आप संदेश देना चाहते हैं सर? एक तरफ जैसे दिल्ली में लॉकडाउन खोल दिए गए और लोगों में आप जागरूकता करने के लिए आप जी बिल्कुल, मैं आपसे साहब से एक यही निवेदन करूँगा कि लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन ये मत सोचो कि हमारे ऊपर से खतरा टल गया है। कृपया सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग बढ़िया तरीके से करें और अपने परिवार को और अपनी सलामती के लिए खुद आगे आएं और किसी को भी लापरवाही ना बरतने दें। कोई आपके सामने लापरवाही करे तो उसको प्लीज़ जागरूक करें। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ पूरी दिल्ली के वासी, मेरे साथी, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरे आंटी सब बिल्कुल महफूज रहें और अच्छा खाएं, अच्छा कमाएं। धन्यवाद। धन्यवाद डेविड चंदेला जी आपका। तो यह हमारे सीधी बात डेविड चंदेला जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।